बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, साके आपसे मुखातब नाज़रीन। मैं इस वक्त मुबारकपुर तहसील कबीरवाला में मौजूद हूँ और राव सईद साहब के पास मौजूद हूँ और उन्होंने पूरा राव राजपूत का पूरा एक शजरा नसब बनाया। बाकी वो बात जी राव साहब जी, ये शजरा है, इस शजरा तूर और जाटू राजपूतों का है। वैसे मैंने आपको बताया कुछ सैकड़ों गोत हैं, उनका अलग है। इसको मैंने अपने को कैरी आउट किया है। राजा ऋषि वर्मा दर्रा खैबर के रास्ते रूस से हिंदुस्तान में आए और ये तकरीबन 2000 कबल मसीह का वाक़या है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पीछे पीछे का। उसके बाद फिर ये आज तकरीबन 81 पुश्तें गुजर चुकी हैं। सबसे नीचे बॉटम के ऊपर ये मेरा पोता तलाल इमरान राव और मुनीब, ये दो मेरे पोते हैं। उंगली लगा पड़े यहीं पर, ये मुनीब कामरान और ये तलाल, ये तलाल इमरान राव और मुनीब कामरान, ये आज मेरे पोते हैं जो 81वीं पुश्त में हैं, 81st जनरेशन। यहाँ से अगर आप शुरू करें तो उसके बाद राजा ऋषि वर्मा का बेटा हुआ राजा उत्तरी और एक राजा मार्च। अब हमने उत्तरी को आगे ले गए हैं राजा सोमचंद्रमान, राजा ताराबुद, राजा चकुराज और एक राजा पोहब। पोहब आगे हमारी नस्ल में आ गया। राजा चकुराज जो था, इसमें यह खासियत थी कि ये परिंदों की ज़बान भी समझता था। उसके बाद राजा जुजाती, राजा संजीत, राजा नलगोप, ये सारे हो गए। उसके बाद फिर ये इस राव इसके अंदर आ जाते हैं राजा पीरू, राजा बसदेव, राजा मीर, राजा मार्स, राजा मान, तमाम राजे हैं। मैं पहले आपको अर्ज कर चुका हूँ कि तमाम ये स्टेट्स के राजे ही थे सब के सब। उसके बाद चलते चलते हत्ता के यहाँ ये बिक्रमी 5 का वाक़या है जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पीरियड था। उस वक्त राजा हथ था, इसने गढ़ हथना नाम से एक कस्बा बसाया जो कि आज के दिल्ली के नाम से मौसूम है। और इसी दिल्ली के ऊपर हमारी यानी तूर गोत की जाटू गोत भी इसमें शामिल है। आगे चल के बताऊँगा कि इसको जाटू कहना क्यों शुरू कर दिया है। इस गोत की 23 पुश्त लगातार हुकूमत रही है और मुतफिका तौर पर राजपूतों के दूसरे गोत इसको तस्लीम करते हैं। आखिरी जो इसका बादशाह था वो राजा आनंदपाल था और उसके बाद फिर ये उसके बाद भी इसको दिल्ली को किसी ने फतह नहीं किया, बल्कि पृथ्वीराज चौहान को भांजा था दाज के अंदर, जहेज के अंदर अपनी हुकूमत उसको डोनेट कर दी ताकि ये हुकूमत करेगा। 23 पुश्त करने के बाद आदमी उकता भी जाता है, तंग भी पड़ जाता है। उसके बाद इसको टेक ओवर कर लिया इसने पृथ्वीराज चौहान ने, जो पानीपत की जंगों के अंदर आपको पता होगा मोहम्मद गौरी को भी शिकस्त दी, बाद में फिर शिकस्त का खुद भी शिकार हुआ। उसके बाद चलते चलते फिर ये मुख्तलिफ जगह कोई किसी जगह पर रहा। ये जोधपुर के इलाके का राजा था, ये राजा राजस्थान में नरसर के मुकाम पे हुक्मरानी करता था। राजपूताना में बमुकाम खेड़ी के मुकाम पे राजा दोट हुकूमत करता था। राजा पापट जल्लू पायन राजस्थान का राजा था। इस तरीके से ये राजा जाटू और सत्रावला यानी तूर चला आ रहा था, यहाँ जाटू एक जीत सिंह था और एक सीत सिंह था। जो जीत सिंह था उसको जाटू कहने लग गए, सीत सिंह को सत्रावला, लिहाजा सत्रावले तूर और जाटू तूर हैं, ये भी तूर ही हैं। और एक छोटा सा गोत इसमें रागु चला है, इसके सिर्फ 3 गांव थे, एक खैनग, एक रतेरा और एक लोहारी। ये 3 गांव जो हैं ये इसके चले हैं और सत्रावलों के तकरीबन कोई 20 गांव हैं और जाटुओं के सैकड़ों गाँव हैं। ये खुदा की तरफ से इनमें इजाफा ज़्यादा होना था। अगर आप जाटुओं को आगे लेकर चलें तो फिर आप आगे चलते रहें, ये राजा रतनपाल आ गया है। ये राजा था, इसके बेटे ने बलियाली को बसाया था। इसके 3 बेटे थे, एक इसका रतनपाल का भाई था राजा जीद, इसके जमालपुर और हाजमपुर आबाद हुए जिनका हदूद दरबे में पहले जिक्र कर चुका हूँ। रतनपाल के जो बेटे थे राजा नीम, इसने बिहाड़ी को आबाद किया जो कि आजकल ज़िला है। राजा बाम ने बलियाली को आबाद किया जो कि अभी ज़िला या तहसील नहीं है, वो पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि कस्बा बलियाली बहुत बड़ा था लेकिन इट वाज लिटिल अवे फ्रॉम द मेन रोड एज वेल एज मेन लाइन, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि तहसील या ज़िला हो तो कम से कम वो किसी रोड हेड या रेलवे हेड को टच करता हो। उसके बाद राजा बबुआ की बुआणी और उसके बाद फिर राजा मान्ना हो गया। अब यहाँ से मुसलमानों का सिलसिला हुआ है। अब राजा मान्ना के 2 बेटे हुए, एक बेंजा और कामा। कामा की औलाद हिंदू है और अभी तक वो बलियाली में आबाद है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका कोई इजाफा नहीं हुआ है, वो 12 ही घर हम छोड़ के आए हैं। जबकि राजा बेंजा जो मुसलमान हो गया था, ये मुसलमान हुआ और पुआरों के यहाँ इसकी शादी हुई, पुआरे कुमारा गोत है।
उसके बाद ये राजा हम यानी अपने गोत में भी शादी नहीं करते हैं, ना तूर तूर से करेगा और ना जाटू जाटू से करेगा, लिहाजा उसकी शादी पुआरों में हुई, दूसरे गोत में। राजा मंगसू, राजा ताजा, राजा मुरादा। अब आप आ जाएँ, ये जो राजा मुरादा है इसकी औलाद जो है इसका मंगस और फत्ता हुए हैं। फत्ता जो मंगस है इसका औलाद थी आला, और आला की औलाद इस वक्त गरुचक 23 SP तहसील वजीला पाकपट्टन में आबाद है इसकी औलाद। उसके बाद राजा जो फत्ता है बस हाँ इसको थोड़ा ऊपर फोल्ड करना। उसके बाद फिर आप इधर से आ जाएँ, राजा ये राजा जुहा है। राजा जुहा के तीन बेटे थे, राजा पीरू, इब्राहिम और घुरसी। इब्राहिम की औलाद जारा पाना चकबेदी के अंदर आबाद है, कुछ घर इनके दुनियापुर के अंदर हैं। अब जो घुरसी के जो बेटे थे वो थे रामू और श्याम। जो रामूपुरा है ये 25 चक पाकपट्टन में आबाद है, और श्याम के आगे दो मोहल्ले और हो गए, सबड़ा और चूड़। जो सबड़ा है उसको वो ये हमारा है, ये आगे फिर चल पड़ा है। फिर सबड़े के आगे बेटे ऐसे हुए हैं कि जस्सा, मोकम, वजीरा, ये मेरी नस्ल आगे चलती जा रही है। हत्ता के फिर नीचे आने के बाद ये मेरा दादा था सिजावल खान, हवलदार इनायत अली, दफेदार हिमायत अली मेरा ताया था, फ़ौज में दफेदार था, ये हवलदार इनायत अली मेरा वालिद था, ये अहमद खान आर्मी में नायक थे, ज़ख्मी भी हो गए थे, ग्रेनेड इनको लगा था, और ये फतेह मोहम्मद मेरा चचा था, ये भी रिसाला की टैंक रेजिमेंट में मुलाजिम था। आगे हवलदार इनायत के चार बेटे हुए, अब्दुल मजीद, सूबेदार सईद, माई सेल्फ, और मलक मोहम्मद अली अफसर। उसके बाद फिर सूबेदार सईद के मोहम्मद इमरान सईद और कामरान सईद। उसके बाद इमरान सईद का तलाल इमरान राव और कामरान सईद का मुनीब कामरान। ये इस वक्त मेरी 81वीं पुश्त का ये आखिरी जनरेशन वो ये है। इसके और मजीद इस बड़ियाली का हाँ फिर उसके बाद ये रामू जो 25 चक में मैंने बताया था ये उसमें आबाद हो गया। इसके अलावा इस बलियाली से निकलकर कई और गांव आबाद हुए हैं, दाएंग, छोटी दाएंग, अलखपुरा, उसके अलावा इसमें किरौड़ के अंदर चले गए थे कई गांव, सुई एक गांव था। ये बलियाली से उठ उठ के किसी नाराज़गी की वजह से इन्होंने अलग गांव बसा लिए, और अगर वो गांव भी आज इसके अंदर शामिल हो तो मेरा ख़्याल है कि कहीं कोई कोई ज़िला भी इतना बड़ा नहीं होगा। हाँ सही है, ये कुछ तहरीर हैं जो कारनामे बलियाली गाँव ने किए थे, उसमें जो मशहूर मशहूर चीज़ें थे। इसके अंदर राजा चंद्रमान है, ये बहुत दलेर राजाओं के गुजरा है। ये चार अगड़ी हुए हैं, अगड़ी होया फतेह सिंह राजा चितौड़ी, अगड़ी होया मान सिंह जिन अटक तोड़ी, अगड़ी होया दुल्ला फरीद का जिन लुट्टी मुगलानी, अगड़ी होया नर चंद्रमान तपया बयानी। ये चंद्रमान मेरा दादा था, ये बयानी में चला गया था। इसने इतना बड़ा मुस्तकर या एक फर्म बेस बनाया हुआ था कि बगैर खिराज और टैक्स लिए हुए किसी राजे में राजे को अपनी हदूद से गुजरने नहीं देता था। ये अगड़ी हुआ है। उसके बाद चलते फिर एक रजा का बात हुआ है, हम नानके दाज आप उसको कहते हैं। इसने इतना ज़बरदस्त बात भरा था अपनी भांजी की शादी में कि जो आज तक इसको गवैये गाते हैं, और इतना बड़ा बात ना इससे पहले किसी ने दिया है और ना शायद कोई अगली नस्ल दे पाएगी। उसके बाद इसकी बलियाली का बाकी मोस्टली मैंने आपको बताया था कि ये सारा फौजियों का इलाका था। वड़वार फर्स्ट के अंदर इसके 450 आदमी थे। उसके बाद जंगे अजीम जिसको आप ये हम लोग गदर कहते हैं, जंगे आज़ादी अंग्रेज़ कहते थे, 1857 की जंग के अंदर इन पांच गांव का इतिहाद था, मंगाली, सिवानी, जमालपुर, हजमपुर और बड़ियाली। ये जत्था बनाकर भेजते थे कि इतनी आर्मी फलां चले जाए, इतने लोग फलां जगह चले जाएं और अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए। उसके अलावा इसका थोड़ा सा ऊपर विजिबल कर लें। असल में इसकी लेंथ ज्यादा है और इसकी एक दिन पहले मुझसे अवेलेबिलिटी मांग ले मुझसे और मुझसे कॉन्टेक्ट कर ले। मैं तमाम इंटरव्यू पे यही कहता हूँ कि अभी आवाज़ जा तो नहीं रही है, आवाज़ जा रही है, अब बोलते रहे, बस ऐसे बोलते रहे। पर यह है कि अगर किसी आदमी ने कोई राजपूतों के बारे में या अपने गोत के बारे में कोई मालूमात अगर हासिल करनी हो तो वो मुझसे राबता कर लें, लेकिन कम से कम एक या दो दिन पहले मुझसे अवेलेबिलिटी मांग लें कि मैं ऐसा ना हो कहीं मैं हाजिर आपको ना मिलूं। और आपको हर किस्म की मालूमात इंशाल्लाह यहाँ से मुहैया होगी। और ये हमारा एक किस्म का असासा है, ये एसेट है,
और अपने आबा अजदाद के बारे में जान लाम भी नफ़ी नहीं करता है। पहले मैं बता चुका हूँ कि इस्लाम के अंदर आयत उतरी है, उसका तर्जमा यही है कि आपको मुख्तलिफ हिस्से और कौमों में तकसीम कर दिया गया है ताकि आप लोगों की एक दूसरे की पहचान हो सके, और ये राजपूतों के तूर और जाटू गोत की पहचान है जो आपके सामने ये लगी हुई है। राव साहब, राव सही साहब, आप मुबारकपुर में रहते हैं, तहसील कबीरवाला में रहते हैं, राव साहब इधर थोड़ा सा सामने आ जाए। जी राव साहब, आपके अकब में जो है वो लगा हुआ है अपना शजरा नसब और पूरी राज जाटू राजपूत का आपने सारा बताया, और इसके अलावा आपने तीन वीडियोस बनाए जिसमें तफसीलन आपने बताया, तो इसके अलावा आखिरी एक फिक्रे में कुछ आप कहना चाहें? आखिरी की यही है जी, अभी पाकिस्तान चूँकि बन चुका है, इसके अंदर हमें ये चाहिए, हुकूमत का तो ये काम है कि इस पर इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करे, महंगाई पे कंट्रोल करे, अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस है उसको कंट्रोल करे, उसके अलावा मईशत की तरफ काफ़ी तवज्जो दे, और जो कोई कौमी मसला है जैसे कश्मीर का मसला है या कोविड का मसला है, इसके ऊपर पार्टी और सियासत को भूल कर सबको यकजा इकट्ठे होकर एफर्ट करनी चाहिए। या अभी इसको रिकग्निशन का मसला चल रहा है अफगानिस्तान का, इसके ऊपर भी सही मुतफिका तौर पर तमाम पार्टियों के एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पार्लियामानी इजलास बुलाए और तमाम पार्टी लीडरों से राय हासिल करे, और उसके बाद फिर है उसके अलावा तालीम और एजुकेशन, सस्ता इंसाफ, इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दे, इसका बड़ा फुकदान है आजकल। लिटरेसी रेट हमारा कहीं इथोपिया के करीब चला गया है, अगर हम अपने पड़ोस में देखें इंडिया और बांग्लादेश में तो लिटरेसी रेट उनका बहुत ज़्यादा है, चाइना का बहुत ज़्यादा है। ये तमाम ममालिक जो है ये गुरबत से तब निकले हैं कि इन्होंने लिटरेसी रेट को इम्प्रूव किया है, तालीम हासिल की है। जितनी गुरबत चाइना में भी थी, 100 साल ग़ुलामी करने के बाद चाइना आज़ाद हुआ है, हमसे बाद आज़ाद हुआ है, और इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी सुपर ताकत चाइना ही है, क्योंकि इसका पोल अभी कल ही खुल गई है। अभी ये जो इसने एवैक्यूएशन यहाँ से अचानक सडनली अमेरिका ने किया है, इसके बाद इसको लोग सुपर ताकत तस्लीम नहीं करते हैं, लिहाजा अभी यही है कि अपने मुल्क और कौम के लिए सर धड़ की बाजी लगा दें और ज़ाती मामलात को भूल जाएँ और एक झंडे तले इकट्ठे होकर इसकी मुल्क की हिफाजत करें, और यही है वमा अलैना इल्ला अल बलाग। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया राव साहब।